गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सिस्टी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और कैसे आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर 6:45 बजे मम्मी ने उठा दिया मेरे को कि स्कूल है और पापा घर पे है नहीं, तो मेरे को अकेले पूजा करनी पड़ेगी। तो पहले ही मेरे साथ पूजा हो जाएगी, फिर हम जाएंगे स्कूल। तो बस 7 बजे अभी पूजा करनी रह गई है, पूजा करके फिर निकलेंगे। तो पूजा कर लिया, बस अभी बाल झड़ने रह गए, मम्मी झाड़ेंगी फटाफट। 7:30 हो गया, पूजा वूजा सब हो गई है, बस अब पी लूँ मैं नारियल पानी। फिर नारियल पानी पी के साइड में डाल दो, चली जाएगी। खा ली बेटा, चिप्स आ रही है, ठीक है, लड्डू फिर आखिर केले खा लिए। ओके ओके ओके। सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और आज मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं धूप कहाँ से हो गई और स्कूल में आई थी आंधी, और आती मैंने बनाया है ये बनाना शेक फटाफट से। अभी मैं डालने जा रही हूँ, मैंने बोला बनाना शेक बना के आते हैं, क्योंकि जो ये जो केले है ना, ये कुछ ज़्यादा ही गल रहे हैं, तो मुझे पसंद नहीं आया। मम्मी कह रही इसके चुपचानी जाके शेक बनाया, तो चुपचानी जाके हम शेक बनाए हैं और बस अब भोग लगा दूँ फिर पीते हैं। तो बस अभी करिए शाम की पूजा और हम जा रहे हैं करने अब पाठ, क्योंकि मैंने बोला था जब तक मम्मी मैं आ ना जाऊँ मेरे साथ ही करना, नहीं तो मेरा रह जाएगा। पाठ पढ़ लिया है और अब बना रही है मम्मी व्रत का खाना। और मूंगफली, कच्ची मूंगफली को मम्मी ने भून लिया। हाँ, अभी से एक एक बिनने में टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि नीचे इसमें छिलका है, छिलका नहीं आना चाहिए। छिलका नहीं, तब मैं कह रहे बर्थ खोल लिया, मैंने बन रहा अभी तो। Yes. ये बारीक बारीक चीजों में टाइम बहुत लगता है। रुको मैं करवाती हूँ। अब हम करवाते हैं। तो ये साबुदाना बनके रेडी है और ये रहा मेरा, बस मम्मी आ जाए फटाफट से व्रत खोलते हैं। और आज व्रत 8:30 हो गए। इसकी चरखड़ियाँ अब जा रही हैं नवरात्रों में 15 अगस्त की। इसे देखो लोरी को, ये ऐसे छुपी है। साथ ही साथ यहाँ पे आ गई है बारिश, लेकिन गलत टाइम पे आई है एकदम। मम्मी कह रही घोड़ों के आगे ना खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया सब दिख रहे हैं। बारिश गलत टाइम पे आ गई। बेटा तुझे लेके गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, 7:45 हो रहे हैं और बस अभी पूजा करी है और आज मेरे को सामान भी लेकर जाना पड़ा। गोली के साथ गई थी, झील जाना पड़ा इतनी दूर, लेकिन यह है सामान सारा आ गया, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सो अभी बज रहे हैं 7:00 और मैं स्कूल से आके कंटिन्यू नहीं करा मैंने व्लॉग, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है, इतनी ज़्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि क्या करना है। और सो हम सत्य नहीं है। सुबह भी मार्केट जब स्कूल गई थी तब भी बेचारी सामान लेके आई थी, और अभी भी शाम को फूल माला और दूध वगैरह लेके आई है, और साथ साथ डांट भी पड़ रही है मुझको। पापा की जगह ड्यूटी ये निभा रही, जब पापा आ जाएंगे तो पापा ने ड्यूटी निभाएंगे। सही है भाई, पापा भी कह रहे हैं आप बड़ा काम करा रही हो तुम उससे। हाँ भाई, कोई तो करेगा, बच्चे बड़े जाते करते हैं। अच्छा, और जी तीसरा बर्थ कैसे चल रहा है? नींद के साथ बहुत, मेरे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे नींद की प्रॉब्लम है,
जो कि मैं सुबह 5:45 बजे उठ जाती हूँ और रात के 12 बजे सोती हूँ, तो एकदम इतनी नींद आ रही होती है। तो मैं जो भी दिक्कत है वो नींद की दिक्कत है। मम्मी को तो आती नहीं है नींद, मुझे तो स्कूल में भी आती है मम्मी, मुझे नहीं आती नींद, मुझे स्कूल में घर आके कुछ ना कुछ मुझे कहीं ना पता कहीं कब टाइम आती पास है, कर रही मुझे होती हूँ। जब शाम रात जब आप बर्थ वर्क खोल लेते हैं ना, मुझे हाँ आती है एकदम से 9:30 या 10:30 के बीच में नींद आती हाँ है। फिर मुझे कहती है जल्दी सो जल्दी सो जल्दी सो, तो इनका ये चल रहा होता है। तो बाकी हमें तो वही पूरे दिन आती है। छुट्टी आने वाली है, हाँ और मुझे सिर्फ 2 दिन स्कूल जाना है, थर्सडे तक जाना है, फ्राइडे से मेरी छुट्टियां हैं एकदम दशहरे तक, छुट्टी छुट्टी बढ़िया, बस 2 दिन जाना है। और तो बस अभी शाम की पूजा करके आए हैं और पाठ पढ़ के आए हैं, और बस अब मम्मी जाएंगी व्रत का खाना बनाने। बस बनाने जा रही है थोड़ा। ठीक है आराम से बना लो भी है। और रात में बारिश हुई थी हमारे यहाँ और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, यहाँ तक कि देखो पंखा बंद है आज हमारे, पंखा स्कूल में भी बंद हो बंद खोला ऐसे चलता रहा और घर में भी बंद ही है, क्योंकि दोपहर में अभी बिल्कुल नहीं ज्यादा चला गर्मी पड़ था। रही थी, मैं उससे कह रही थी ना कि अभी मौसम चेंज होएगा। सही में मम्मी ने बोला था कि मौसम चेंज होगा, और सही में बहुत तेज हो गया मौसम चेंज, ठंडा हो गया एकदम। तो मम्मी ने ये कुट्टू के आटे के पकोड़े बना दिया है, ये मैं शाम को लेकर आई थी, ये वाला आटा दही सब कुछ बन गया रहेगी थोड़ा सा। ठीक है। झांकी देख के और टाइम हो रहा है 11:25, आज थोड़ी सही है, आज तड़का दिया है मम्मी, तड़का तो थी मगर सूखी सी थी मुंह में फायर कर रही थी। वाह तो बस वही था, और 7-8 ही थी, ठीक था, बढ़िया था, आ गए हम देख दाख के।